हाय, मैं हूँ राजीव खंडेलवाल और आप देख रहे हैं नव भारत टाइम्स ऑनलाइन। देखिए, 2 दशक हो गए हैं, 2 दशक के छोटे पर्दे, बड़े पर्दे और इंटरनेट में आप काम कर रहे हैं, कैसे देखते हैं ये सफ़र, कैसा रहा आपके शब्दों में? मेरे लिए सफ़र एक ख्वाब की तरह रहा, क्योंकि एक ख्वाब था कि मैं एक्टर बनूंगा और एक ख्वाब की तरह से ही चलता जा रहा है। मुझे लगता ही नहीं कि मैं काम करता हूँ, मुझे लगता है कि मैं इंजॉय करता हूँ। 20 साल, लगभग 19 साल मैंने सिर्फ इंजॉय किया है। लोगों का प्यार मिला है, मुस्कुराहटें मिली हैं, लोगों ने चिट्ठियाँ लिखी हैं, लोगों ने मैसेजेस भेजे हैं, मेल्स लिखे हैं। तो ये एक्चुअल में एक स्वप्न लगता है कि ये निकल गए 19 साल इतने खूबसूरती से और आज भी उतना ही प्यार मिलता है। तो जब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे ये भी लगता है कि मैंने वो चीज़ें की जो मैं करना चाहता था, मैंने वो चीज़ें की और उस तरह से की जिस तरह से मैं करना चाहता था। आज भी मैं अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीता हूँ। आज भी कोई ऐसा मन में खौफ नहीं होता कि यार यार क्या होगा कल। मैं तो हमेशा ही सोचता हूँ कि ये सब चीज़ों का अंत होगा। आप एक एक्टर हैं, आज आपको लोग जानते हैं, कल को एक जनरेशन बदलेगी, आपको लोग भूल जाएंगे। तो आपको हमेशा उस चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए। शायद इसीलिए मैं अपने काम को एक इतना बड़ा ओहदा नहीं देता हूँ। मुझे लगता है काम उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि ज़िंदगी में बाकी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो वो एक डिटैचमेंट जो है वो मेरे लिए बहुत काम करता है। और जो भी मैंने शोज़ किए, पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मैं कहीं तो होगा, हो लेफ्ट राइट लेफ्ट हो, आमिर हो, सच का सामना हो, शैतान हो, टेबल नंबर 21 हो, या हक से हो, या फिर तो आमिर हो, तो ये सब चीज़ें जो हैं लगता है कि हाँ यार वैरायटी की आपने। और आपने जिसे इंडस्ट्री कहती कि आपने जोखिम उठाए, क्योंकि तो मैं नहीं मानता हूँ कि वो जोखिम होते हैं। मुझे लगता है कि आपका दिल अगर कुछ करने के लिए कहता है तो आपको कर देना चाहिए। जोखिम तो दुनिया समझती कि आप सेफ नहीं खेल रहे हैं, आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको सीरियल छोड़ना नहीं चाहिए, आपको खूब पैसे कमाने चाहिए। तो ये तो दुनिया कहती है, आपके अंदर की आवाज़ क्या कहती है वो मेरे लिए कहीं ज़्यादा ज़रूरी होती है। मैं जानता हूँ आप संतुष्ट सोल हैं, लेकिन फिर भी जैसे आप टीवी पे खूब सफल रहे हैं जी, फिल्मों में आपको बहुत असफलता का सामना करना पड़ा है जी, हमें इसको ना वो संतुष्ट वाली सोल से जवाब मत दीजिएगा। बिल्कुल नहीं, मैं सोचता हूँ कि मैंने जो फिल्में चुनी, आमिर हो, मुझे लगता नहीं कि तो पिछले दशक में या उससे पहले किसी ने ऐसी फिल्म बनाई हो जहाँ पर एक ही किरदार हो पूरे स्क्रीन पर सारे टाइम पे। और तब जब टीवी एक्टर्स को कहा जाता रहा कि टीवी एक्टर्स फिल्मों में नहीं काम कर सकते हैं, और मैंने ये सोच तोड़ने के लिए काम नहीं किया था। मैंने वो फिल्म आई थी, मैंने कर ली थी। उसके बाद मैंने शैतान की, साउंड ट्रैक की, टेबल नंबर 21 की, फीवर की मैंने। तो अगर आप देखें तो मैंने बहुत ज़्यादा फिल्में की भी नहीं। मैंने बीच बीच में जब फिल्में करने के लिए गया तो मैंने सच का सामना कर लिया। तो मेरे लिए सक्सेस प्रोजेक्ट्स की होती है, किसी माध्यम की नहीं होती है। अगर हम सोचें कि यार आपने तो 2 सीरियल किए और आपकी 3 फिल्में चली हैं, आपकी 2 फिल्में जो आपने की वो नहीं चली, तो नहीं चलने का कारण भी और चलने का कारण भी हमेशा प्रोड्यूसर्स होते हैं। और जिस तरह का दौर है, मैं हमेशा सोचता हूँ कि जो फिल्में नहीं चली उन्हें कितना बड़े थिएटर्स में रिलीज़ किया गया, उन्हें रिलीज़ कम छोटी मात्रा में किया गया। तो प्रोजेक्ट्स की सक्सेस होती है, किसी मीडियम की सक्सेस नहीं होती है। और कोई मीडियम किसी से बुरा नहीं है या छोटा नहीं है। मुझसे जब लोग पूछते हैं कि आपको कौन सा मीडियम अच्छा लगता है, मैं हमेशा सोचता हूँ कि सवाल अपने आप में कितना गलत है। मैं जब एक्टिंग कर रहा होता हूँ तो ये नहीं सोचता हूँ कि यार मैं समय छोटे पर्दे के लिए कर रहा हूँ, मैं इंटरनेट के लिए कर रहा हूँ, या मैं फिल्मों के लिए कर रहा हूँ। आप अपने सीन को, अपने प्रोजेक्ट को उतनी ही श्रद्धा के साथ में अप्रोच करते हैं जितना कि आप किसी भी माध्यम पर करेंगे। तो कहने का, मैंने खुद ही कभी नहीं सोचा कि मैं फिल्में करूँगा। मैं फिल्में करता हूँ, जब फिल्म मिलती है और मुझे अट्रैक्ट करती है, मुझे एक्साइट करती है, तो मैं फिल्म कर लेता हूँ। मुझे अगर डिजिटल पे कोई, जैसे अभी मैंने एक सीरीज़ की है प्रदीप सरकार के साथ में, एकता के लिए मैंने अभी ख़त्म किया। मेरे लिए वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत खूबसूरत प्रोजेक्ट है, मुझे बहुत संतुष्टि मिली उसमें। तो माध्यम तो आप देखते हैं, मैं तो सिर्फ प्रोजेक्ट देखता हूँ। आपने एक बात कही, फेलियर एक्टर नहीं होता, प्रोड्यूसर का होता है जब फिल्म असफल होती है। एलैबोरेट नहीं, मेरा कहने का मतलब है जब एक फिल्म नहीं चलती है, हाँ। हमारे देश में खासकर राजीव की फिल्म हिट हुई और राजीव की फिल्म फ्लॉप हुई, हाँ। ये अपने आप में बहुत ही गलत बात होती है। जी हाँ, आप फेस हैं फिल्म के, हाँ। लेकिन आप फिल्म नहीं हैं, हाँ। तो फिल्म के चलने और ना चलने का कारण कभी भी एक्टर मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। कम से कम मैं जिस श्रेणी का एक्टर हूँ या मैं जिस मेरी जो एक कैपेबिलिटी है जो है उसमें, मैं कभी भी फिल्म से बड़ा बनना भी नहीं चाहता हूँ। मैं कभी भी मैं हमेशा भी कहता हूँ कि मैं आमिर का हिस्सा था, मैं टेबल नंबर 21 का हिस्सा था, मैं किसी भी प्रोजेक्ट का हिस्सा होता हूँ। मैं कभी भी प्रोजेक्ट नहीं होता हूँ, ना ही मैं कभी बनना चाहूँगा। ये बहुत डिप्लोमेटिक जवाब है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सच है। आप अगर वेस्टर्न में जाकर देखेंगे तो कोई नहीं कहता है कि ब्रैड पिट की फिल्म हिट हुई या लियोनार्डो की फिल्म हिट हुई। हमेशा कहा जाता है स्टीवन स्पील्स बक की, टारंटीनो की फिल्म आ रही है, अभी एक फिल्म आ रही है जिसका नाम है वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड।
उसमें कोई नहीं कहता कि वो ब्रैड पिट की फिल्म है या लियोनार्डो की फिल्म है, सब कहते हैं टैरेंटिनो की नौवीं फिल्म है। ये फ़र्क है। एक फिल्म के लिए स्टारडम या स्टार, बड़ा स्टार, शाहरुख सलमान, आमिर खान को हम बड़ा स्टार मानते हैं, वो किस तरीके से कितना मायने रखते हैं? क्या फिल्म की सफलता में स्टारडम बहुत मायने रखता है, एक अच्छी कहानी? ये तो आप जो सवाल पूछ रहे हैं जवाब तो आप भी जानते हैं कि सारी फिल्में अगर स्टारडम पे चल गई होती तो सारी फिल्में हिट होती हैं। और थोड़ा एलैबोरेट करेंगे क्या? देखिए, एक समय था, शायद वो भी समय कभी नहीं था, अगर ऐसा होता तो जितने भी हम सो कॉल्ड सुपरस्टार्स हैं उनकी सारी फिल्में हिट होती अगर फिल्में स्टार्स के दम पे चलते। तो स्टारडम करता क्या है, स्टार करता क्या? देखिए, स्टारडम बेसिकली मुझे जहाँ तक लगता है एक प्रॉबेबली ऑडियंस को सिनेमा हॉल में लेके आता है कभी कभी, लेकिन आज भी देखिए अगर हम सुपरस्टार्स की बात करें तो भी उसमें इतनी बड़े पैमाने पे रिलीज़ करनी पड़ती है। मुझे एक बात बताएं कि अगर एक सुपरस्टार के दम पे फिल्म चलती तो फिल्में कभी कोशिश करके देखें 500 स्क्रीन में रिलीज़ करके देखें और फिर बोलें कि 100 करोड़ कमाइए। अक्सर मुझे लोग बोलते हैं कि राजीव आपकी आमिर फिल्म इतनी अच्छी थी लेकिन उसने धंधा कम किया। मैंने 250 स्क्रीन में रिलीज़ की थी और सारे हाउसफुल गए थे, उसके बावजूद भी इस फिल्म की जितने पैमाने पर रिलीज़ की गई थी उसकी कलेक्शन कभी 8 या 9 करोड़ ज़्यादा हो ही नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी नहीं 100 करोड़ तो नहीं कमाए। तो मैं बड़ा अफसोस महसूस करता हूँ जब मुझसे सवाल भी ऐसे किए जाते हैं, तो आप जिन्होंने 100 करोड़ कमाए उनको बोलिए कि 250 स्क्रीन में रिलीज़ कर और फिर बनाया 100 करोड़। देखिए, प्रणाम 80s के दशक में जो हम अभी फिल्में बनती थी क्लासिक एरा जिसे हम कहते थे, जो हमारे डायरेक्टर हैं संजीव जायसवाल, उनकी इच्छा थी कि वो एक फिल्म बनाए जो किसी फॉर्मूले से जुड़ी भी नहीं हो, जो आजकल जैसा होता है कि एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा करने की कोशिश नहीं की जाए। एक फिल्म, उनका मानना था कि हमेशा से दर्शक पूरे परिवार के साथ में उन फिल्मों को पसंद करते हैं जो आप जिन्हें आप सिनेमा हॉल में देखते हैं, आप इन्जॉय करते हैं, कहानी बहुत सिंपली आपके समझ में आ जाए, आप उसमें इमोशन भी होता है, एक्शन भी होता है, कॉमेडी भी होती है, आपका हीरो भी होता है, आपका विलन भी होता है, आप इमोशन महसूस करते हैं और आप खुशी खुशी सिनेमा हॉल से बाहर निकल जाते हैं। तो जब संजीव मेरे पास में फिल्म लेकर आए थे तब यही था कि एक फिल्म ऐसी बनाई जाए जो इस दशक में नई इसलिए हो कि उसमें कुछ नया ना हो। मतलब ये बड़ी अजीब किस्म की है कि ये नई फिल्म इसलिए लगेगी क्योंकि इसमें कुछ नया नहीं है, कुछ कोशिश नहीं की, कोई रीमिक्स गाने नहीं बनाए गए। अभी इस दौर में हम देख रहे हैं कि पुराने गानों को लाकर रीमिक्स किया जाता है, अब तो पुरानी फिल्मों का रीमेक भी बनाया जा रहा है कई फिल्मों का, लेकिन जिस स्टाइल ऑफ फिल्म मेकिंग थी जो 80s में, वो एक बार जिसने बड़े बड़े हीरोज़ दिए, जिसने बड़े बड़े कैरेक्टर्स दिए, बड़े बड़े विलन्स दिए, तो ये एक फिल्म है जो समर्पित है, छोटा सा छोटी सी कोशिश है उस स्टाइल ऑफ फिल्म मेकिंग को समर्पित है जो 80s में थी। तो प्रणाम एक कहानी है एक नौजवान की जो एक हम्बल बैकग्राउंड से, एक गरीब बैकग्राउंड से उठता है, उसके बाद उसके पिताजी के कुछ सपने होते हैं, जैसा कि आप पोस्टर पर देखेंगे कहानी एक्चुअल में पोस्टर पर लिखी हुई है, एक IAS ऑफिसर जो कि गैंगस्टर बन जाता है, ये कहानी सोचिए कि पूरी कहानी आपने पोस्टर में कह दी, इसके अलावा इस फिल्म में कुछ नहीं है। वो जर्नी जो है वो अपने आप में बहुत खूबसूरत है, जब आप जाएंगे तो शायद आपको लगेगा कि हाँ यार, ये आपको याद दिलाएगा एक उस दौर की जो निकल चुका है, और इस दौर में जब हम देखेंगे तो शायद बहुत रिफ्रेशिंग लगेगा। राजू, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, ढेर सारी शुभकामनाएं आपकी फिल्म के लिए। थैंक यू। यदि आपकी अपनी कोई बात जो आप अपने चाहने वालों को कहना चाहते हैं जी? नहीं, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, प्रणाम।